हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन को डिस्कस करेंगे। कौन से एम्स हैं जो स्ट्रक्चरल डिजाइन में अचीव होने चाहिए? तो ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर के डिजाइन से फुलफिल होने चाहिए। कौन कौन सी? स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और सर्विसेबिलिटी। स्ट्रक्चर ओवरऑल स्टेबल होना चाहिए ताकि उसकी ओवरटर्निंग या स्लाइडिंग या बकलिंग ना हो। स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसके मेंबर्स में या उसके कनेक्शंस में लोड की वजह से जो भी स्ट्रेसेस जनरेट हुए उनको सेफली रेजिस्ट कर पाए। और स्ट्रक्चर सर्विसेबल होना चाहिए, उसमें एडिक्वेट स्टिफनेस और रेनफोर्समेंट होना चाहिए ताकि अगर कुछ डिफ्लेक्शन या फिर क्रैक या वाइब्रेशन हुए तो ये विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स हुए। ऑल्सो स्ट्रक्चर इम्परमेबल होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग करोजन रेजिस्टेंस। अगर स्ट्रक्चर स्टेबल है तो उसकी ओवरटर्निंग या स्लाइडिंग या बकलिंग नहीं होगी। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो उसका कोलैप्स या फेलियर नहीं होगा। और अगर स्ट्रक्चर सर्विसेबल है तो उसमें जो क्रैक्स हैं, डिफ्लेक्शन है, वाइब्रेशन है, वो एक्सेसिव नहीं होंगे, वो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होगा। स्ट्रेंथ एस्पेक्ट में फायर रेजिस्टेंस भी आता है। किसी भी स्ट्रक्चर में आग कई कारण से लग सकती है, जैसे स्ट्रक्चर का अगर मिसयूज हो रहा है फायरवर्क्स प्रिपेयर करने में या फिर उसमें एक्सप्लोजिव केमिकल स्टोर किए जा रहे हो। आग किसी एक्सीडेंट के कारण भी लग सकती है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग या फिर अर्थक्वेक के दौरान कोई केरोसिन स्टोव गिर गया है। तो ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉपरली डिजाइंड स्ट्रक्चर पर्संस को सफिशिएंट टाइम और सेफ रूट प्रोवाइड करता है ताकि वो सेफली बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर जाए उसके कोलैप्स होने से पहले। दो और कंसिडरेशंस हैं जो एक सेंसिबल डिजाइनर अपने माइंड में रखता है, इकोनॉमी एंड एस्थेटिक्स। हो सकता है हम एक ऐसा मैसिव स्ट्रक्चर डिजाइन कर दें जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्टेबल, स्ट्रांग और सर्विसेबल हो, लेकिन इसे एक अच्छे डिजाइन नहीं बोला जाएगा क्योंकि इससे उसकी कॉस्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा और हो सकता है वो दिखने में भी इतना अपीलिंग ना रहे। तो एक प्रॉपर डिजाइन के लिए स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के हिसाब से अप्रोप्राइट होना चाहिए और सेफ्टी और इकोनॉमी में राइट बैलेंस रहना चाहिए। इस वीडियो में हमने डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स देखे। क्या क्या होता है कि स्ट्रक्चर के सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस की एक एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और उस पर आने वाले लोड को सस्टेन कर जाना चाहिए और जो डिफॉर्मेशंस होंगे वो विद इन लिमिट्स होने चाहिए। स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होना चाहिए और फायर और मिसयूज के इफेक्ट को भी रेजिस्ट कर जाना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे? अगर हमें मटेरियल्स की स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी है और ये मटेरियल्स एडवर्स इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करेंगे, जैसे मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने में कैसे बिहेव करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा आग के केस में तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, इन सारी चीज़ों की अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है तो हम ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। प्लस जो ये मटेरियल्स है स्टील और कंक्रीट, इनके सैंपल्स की प्रॉपर टेस्टिंग और चेकिंग भी होनी चाहिए ताकि क्वालिटी इंश्योर की जा सके और इनके प्रोडक्शन में, वर्कमैनशिप में और कंस्ट्रक्शन में रेलिवेंट स्टैंडर्ड कोड्स को फॉलो किया जाना चाहिए।